देखिए किस तरह से इस ब्रिज पर, इस पुल पर बनी हुई इस पूरी फेंसिंग को किसानों ने तोड़ डाला है। ये न सिर्फ किसानों ने ये फेंसिंग तोड़ी है, इसका नुकसान किसानों को भी हो सकता है, उन्हें चोट लग सकती है, वो नीचे गिर सकते हैं, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर और बिल्कुल आमने सामने पानी की बौछार भी वहाँ पर हो रही है। ये पुलिस है, लगातार पानी की बौछार कर रही है और ये बौछार काफ़ी तेज़ होती है, इसका भी नुकसान किसानों को हो सकता है। लेकिन ये किसान हैं जो डटे हुए हैं, आमने सामने दोनों पुलिस और किसान एक तरफ फेंसिंग को तोड़ रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। अंबाला की शंभू सीमा यानी कि शंभू बॉर्डर से लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे से जो धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा है, ये शंभू बॉर्डर के नीचे यानी कि ब्रिज के नीचे जो किसान खड़े हुए हैं वहाँ की तस्वीरें, वहाँ से ये धुआं उठ रहा है। किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसान डटे हुए हैं, एक बार फिर से किसान 2 साल बाद फिर से सरकार के विरोध में दिल्ली आना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी थी जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे। और क्या क्या था, क्या था इस रिपोर्ट में जिसको लेकर किसान लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन में लगे हुए हैं। सरकार के विरुद्ध घर घर जाकर राशन इकट्ठा किया गया, उन्हें ट्रैक्टर्स में भरकर फिर से दिल्ली के सीमाओं पर लाने का प्रयास किया गया, दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया गया और वही एक तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और किसानों के बीच जब 2 साल पहले ये किसानों का प्रदर्शन केंद्र सरकार के विरोध में शुरू हुआ था, कई दौर की बातचीत हुई किसानों और सरकार के बीच, बातचीत कई राउंड तक चली लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंततः हम इस वक्त शंभू बॉर्डर में आप देख सकते हैं कि लगातार दोपहर हो चुकी है और यहाँ पर लगातार टियर गैस चल रहा है और ये देखिए खून निकलते हुए, आपको बता दें गोली नहीं चली है लेकिन रबर बुलेट है और ये देखिए भीड़ के बीचों बीच टियर गैस की कर रही है सरकार, आंसू का गोला लगा है, आंसू का चल रहा है। ये सब यो आधा घंटा हो गया जी, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले चले काफी टाइम से, आधा घंटा ही हो गया। उधर से बैरिकेड तोड़ दिया है, ये रह गया था, बंदे को गोली लगी है मथे पे, छू के निकल गई जोर से धमाकों की आवाज, ये है टियर गैस और इन्हें लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान है वो खेतों में आ चुके हैं और पत्थरबाजी लगातार चल रही है। और दूसरी तरफ से आपको बता दें यहाँ पे अब इतनी तेज ये जो हवाएं हैं खास तौर पे टियर गैस का, यहाँ पे इसकी वजह से पूरी आंखों में एक जलन सी है और साथ में सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और आपको दिखा दें ड्रोन लगातार है यहाँ पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये ड्रोन है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार किसान आगे बढ़ने की मुहिम पर है और आप पीछे की तरफ देखिए, ये दुश्मन की फौज पे भी नहीं इस्तेमाल किए जाते, ये पॉइजन है, ये केमिकल। संधु हमारी संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। इस समय भी अंबाला की बॉर्डर पर, सीमा पर जबरदस्त तनाव है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं। लगातार 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से पुलिस ने जो ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ने की कार्रवाई शुरू की है वो अभी तक चल रही है, लेकिन 3 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लगभग 3.25 घंटे हो चुके हैं। किसान हिलने का नाम नहीं ले रहे,
हटने का नाम नहीं ले रहे। आंसू गैस का गोला जैसे ही गिरता है वो तितर बितर होते हैं, थोड़ी दूर पर जाकर फिर से इकट्ठा होते हैं, फिर से ड्रोन आता है, फिर वहां पर आंसू गैस का गोला छोड़ता है, फिर से किसान वहां से हटते हैं, तितर बितर होते हैं। लेकिन बिल्कुल पुलिस के आमने सामने देखिए टकराव की स्थिति है और कई लोगों को रबर की गोलियां भी लगी हैं, जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है, रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ से किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं। किसान अपनी जान को खतरे में डालकर, और यहां देखिए ये किस तरह से फेंसिंग को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और ये वो हंगामे और टकराव की तस्वीरें हैं आमने सामने। आंसू गैस के गोले ड्रोन से बरसाए जा रहे हैं किसानों को तितर बितर करने के लिए। किसान हटते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर इकट्ठा हो जाते हैं। ये ड्रोन है जो ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं, धुआं ही धुआं आसमान है, और ब्रिज पर इस पुल पर किसान और पुलिस आमने सामने हैं। पुलिस ने किसानों को पीछे हटाने के लिए ड्रोन की मदद ली है, ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसान है कि वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस की कोशिश है कि इन आंसू गैस के गोलों के द्वारा किसानों को तितर बितर कर दिया जाए, पानी की बौछार से किसानों को अलग कर दिया जाए। आपको बता दें गोली नहीं चली है, लेकिन रबर बुलेट है, और ये देखिए भीड़ के बीचों बीच टियर गैस की कर रही है सरकार, आंसू का गोला लगा है, आंसू का चल रहा है ये सब। यो आधा घंटा हो गया जी, आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले चले काफी टाइम से, आधा घंटा ही हो गया। उधर से बैरिकेड तोड़ दिया है, ये रह गया था, बंदे को गोली लगी है, मथे पे छू के निकल गया। अब ये देखिए लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, ये किसान कोशिश कर रहे हैं आगे आने के लिए, और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स लगी है और साथ में हरियाणा पुलिस है। साथ में आप सुन सकते हैं जोर से धमाकों की आवाज, ये है टियर गैस और इन्हें लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान है वो खेतों में आ चुके हैं और पत्थरबाजी लगातार चल रही है। और दूसरी तरफ से आपको बता दें यहाँ पे अब इतनी तेज ये जो हवाएं हैं, खास तौर पे टियर गैस का, यहाँ पे इसकी वजह से पूरी आंखों में एक जलन सी है और साथ में सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और आपको दिखा दें ड्रोन लगातार है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये ड्रोन है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार किसान आगे बढ़ने की मुहिम में है, और आप पीछे की तरफ देखिए, ये दुश्मन की फौज पे भी नहीं इस्तेमाल किए जाते, ये पॉइजन है, ये केमिकल। अम्बाला की शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई है, किसान और पुलिस आमने सामने हैं। ड्रोन के द्वारा किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुल पर जहां पर किसान और पुलिस आमने सामने हैं, वहां पर किसानों ने फेंसिंग को तोड़ दिया है, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस पर लगातार किसान पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस न सिर्फ पानी की बौछार कर रही है, उसके अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, सवा तीन घंटे, लगभग साढ़े तीन घंटे होने जा रहे हैं। 12 बजे से पहले पौने 12 और 12 के बीच ये टकराव शुरू हुआ था, जो टकराव लगातार चल रहा है, और ये टकराव समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। किसान एक बार फिर, 2 साल पहले आंदोलन पर बैठे थे, एक बार फिर से केंद्र सरकार के विरोध में दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, और यहां उनकी भिड़ंत पुलिस से हो रही है।